हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली वो होंडा एसपी 125 के ऊपर रहने वाली है। उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा, डिटेल में बताऊंगा कि उसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या कैसे कैसे काम करता है। 125 BS6 के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों, कमाल का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे गाड़ी की लंबाई चौड़ाई, टायर का क्या साइज आएगा, या क्या क्या किस टाइप की गाड़ी बनी हुई है, क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, ये सारी बातें करेंगे। तो दोस्तों, आज आशा करता हूँ लास्ट तक बन रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी लंबाई की। इसकी लंबाई रहने वाली है 2020 mm इसकी लंबाई रहने वाली है। और अब बात कर लेते हैं हम चौड़ाई की। इसकी चौड़ाई कितनी रहने वाली है और कितनी चौड़ी है हमारी गाड़ी। हमारी गाड़ी 785 mm चौड़ी है, 125 SP 125 785 mm चौड़ी है। तो दोस्तों, अभी देख ले इसके अगले फ्यूचर के बारे में, अगले क्या है। अब तीसरे नंबर पर आ जाती है ऊंचाई की, हमारी गाड़ी ऊंची कितनी है, हाइट कितनी है हमारी गाड़ी की, वो मैं बताता हूँ अभी इसमें हाइट कितनी। व्हील बेस के बारे में बात करेंगे, व्हील बेस कितना है हमारा और कैसे कैसे काम करता है, ये सारी बातें करेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। ऊंचाई है हमारी गाड़ी की 1103 mm ऊंचाई है हाइट। अब मैं बात कर लेता हूँ, फटाफट से बात कर लेता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, तो शॉर्ट वीडियो बनेगा। व्हील बेस हमारा रहेगा 1285 mm। व्हील बेस जो अंदर अंदर मापते हैं हम, उसका व्हील बेस रहने वाला है हमारा 1285 mm। अब बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, ग्राउंड क्लियरेंस हमारा कितना रहेगा। और 160 mm रहने वाला है ग्राउंड क्लियरेंस जो आपका रहता है, वो 160 mm रहने वाला है। अब देख लेते हैं अगले। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बेट के बारे में, डिस्क ब्रेक में कितना कितना बेट है और नॉन डिस्क में कितना बेट है। तो डिस्क ब्रेक का बेट बता देता हूं मैं, 118 किलोग्राम है डिस्क ब्रेक का बेट, 118 किलोग्राम। और नॉन डिस्क का ब्रेक है 117 किलोग्राम, जिसमें डिस्क ब्रेक नहीं है उसका 117 किलोग्राम वेट है, और जिसमें डिस्क ब्रेक है उसका 118 किलोग्राम वेट है। बात कर लेते हैं सीट की लंबाई के बारे में, सीट की लंबाई कितनी है हमारी, 705 mm सीट की लंबाई है। टोटल सीट जो हमारी रहती है उसकी 705 mm लंबाई है। और अभी देखते हैं अगले का। अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी देख लेते हैं इसमें, फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, इसमें तेल कितना आता है एसपी 125 में, इसमें आता है 11 लीटर। टोटल 11 लीटर कम्प्लीट भर जाती है, फुल हो जाती है टैंकी हमारी 11 लीटर में। अब बात कर लेते हैं इंजन टाइप के बारे में, कि इंजन क्या है क्या नहीं है। इसमें बताया गया है इंजन हमारा 4 स्ट्रोक ऐसा ही इंजन दिया गया है एसपी 125 में, BS6 में ऐसा ही इंजन है 4 स्ट्रोक। और अब ये जान लेते हैं कि इसमें सीसी कितनी है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसकी 124 सीसी की गाड़ी है, हालांकि हम कहते हैं 125, ओनली 124 सीसी की गाड़ी है ये हमारी। इंजन का सीसी जो है वो 124 है एसपी 125 BS6 का, 124 सीसी का है। अब बात कर लेते हैं हम इसके पावर के बारे में, कि इसमें कितनी पावर है और कितने आरपीएम पे ये गाड़ी चल सकती है। तो दोस्तों, नेट पावर इसमें हमारी 8 किलोवाट की है। नेट पावर जो है 8 किलोवाट है और 7500 RPM पे ये गाड़ी चल सकती है, 7500 RPM। अब बात कर लेते हैं हम मैक्सिमम नेट टॉर्क के बारे में, इसमें टॉर्क कितना है, क्या है, कैसे है, उसके बारे में बता देता हूँ पूरा डिटेल में। इसका टॉर्क रहने वाला है हमारा 10.9 नैनोमीटर के साथ, और इसका आरपीएम रहने वाला है 6000 RPM पे हम इसे रहता है ये 6000 RPM पे। चलिए दोस्तों, इसी के साथ साथ बढ़ते हैं अगले के टॉपिक के ऊपर। अगले दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम फ्यूल सिस्टम की। फ्यूल सिस्टम हमारा PGM FI इंजन है इसके अंदर, तो इसे फ्यूल सिस्टम कहते हैं कि फ्यूल कैसे लेती है कार्बोरेटर से, या ये इसमें कार्बोरेटर है या इंजेक्टर है, तो इसमें बेसिकली इंजेक्टर है, इसलिए FI गाड़ी है ये। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फटाफट से अगले की। अब बात कर लेते हैं हम इसकी बोर इनटू स्ट्रोक की। स्ट्रोक में मतलब आपके कितने एमएम अंदर बोर रहता है और कितने एमएम का पिस्टन काम करता है, कैसे करता है, वो बात कर लेते हैं। 10.0x6301 mm इसका अंदर का स्ट्रोक है। चलिए दोस्तों, मैंने ये स्ट्रोक के बारे में बता दिया, आप देख लेते हैं हम अगले की। अगले अभी बहुत सारी गाड़ी की नॉलेज लिख के रखी हुई है मैंने PDF से, पूरा मैं कोशिश कर ही रहता हूँ कि कहाँ से कहाँ वीडियो बने, कैसे कैसे मैं ढूंढ ढाड़ के वीडियो बना रहा हूँ इस लॉकडाउन के दौरान। तो दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ इसके कंप्रेशन के बारे में, कंप्रेशन कितना होना चाहिए गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर कंप्रेशन होना चाहिए 10.1, जो हमारा प्लग के यहाँ कंप्रेशन आता है। जैसे कि किसी किसी गाड़ी में कंप्रेशन गोल हो जाता है, तो उसको एक मीटर रहता है उससे चेक करते हैं, तो उसमें 10.1 अगर आएगा आपका, तो आपका कंप्रेशन बिल्कुल ठीक होगा। कर लेते हैं स्टार्टिंग मेथड, इसमें लिखा है स्टार्टिंग मेथड, मतलब आपकी गाड़ी किस किस चीज से स्टार्ट हो सकती है, क्या क्या दे रखा है गाड़ी के अंदर। गाड़ी के अंदर सेल्फ और किक दोनों दे रखे हैं, आप किक से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप इसको सेल्फ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लच किस टाइप का दिया हुआ है,
क्लच कौन सा दिया है, हाइड्रोलिक है या नॉर्मल है या क्या? दोस्तों इसमें क्लच दिया गया है मल्टीप्लेट बेट क्लच, मल्टीप्लेट यानी कि आपने प्लेट लगा रखी है, इसमें कोई हाइड्रोलिक वगैरह नहीं है, बाकायदा तार से काम करेगा, वो क्लच दे रखा है इसमें। नंबर ऑफ गियर मतलब इसमें कितने गियर दिए गए हैं, तो इसमें 5 गियर दिए गए हैं, मतलब 5 गियर आप आसानी से इसमें लगा के चला सकते हैं। अब आ जाता है इसमें टायर का साइज, हमारे फ्रंट टायर और रियर टायर का साइज क्या है, तो अभी हम बात कर लेते हैं इस टायर के साइज के बारे में, कितने प्लाई का पीछे का है और कितने प्लाई का अगले का टायर है, वो सब मैं बताने वाला हूँ, तो बने रहे वीडियो में। टायर जो हमारा आएगा 8018 और 47 प्लाई का आएगा, ये 8018, इसमें 47 P बना होगा तो समझ लेना 47 प्लाई का होता है टायर। और अब बात कर लेते हैं रियर टायर की, रियर टायर भी वही है 8018, बट इसमें प्लाई चेंज हो जाती है। आप दोस्तों रियर टायर भी वही साइज होता है, बस इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, 8018 MC 54 प्लाई, 54 प्लाई का है ये, वो 47 प्लाई का था, ये 54 प्लाई का है, और दोनों टायर आपको इसमें 2+ मिल जाएंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ ब्रेक साइज की, ब्रेक साइज इसमें कितना कितना रहना है, कितना रहता है, कितने एमएम रहता है ड्रम में और डिस्क में, दोनों की बात करेंगे। रहने वाला 240 mm और नॉन डिस्क में रहने वाला 130 mm, फ्रंट भी और रियर भी अगर दोनों रहेंगे तो ड्रम 130 mm और डिस्क 240 mm। तो बात कर लेते हैं फ्रेम टाइप की, फ्रेम किस टाइप का दिया गया है, फ्रेम इसमें दिया गया डायमंड टाइप का, और डायमंड टाइप इन बेस्ट तो भी है, मतलब अच्छा रहता है डायमंड टाइप का। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं अगले की, अगले क्या लिखा है। अब आ जाते हैं फ्रंट शॉकर पे, फ्रंट शॉकर कौन से दिए गए हैं इसमें, फ्रंट शॉकर है टेली, फ्रंट शॉकर दिए गए हैं इसके टेलीस्कोपिक। अब बात कर लेते हैं पीछे आपके रियर शॉकर के, रियर शॉकर इसमें हाइड्रोलिक दिए गए हैं, रियर शॉकर जो है इसमें हाइड्रोलिक है। अब बात कर लेते हैं और इसमें बैटरी दी गई है 12 वोल्ट 5 mAh की बैटरी है, 12 वोल्ट 5 mAh की, और इसमें लाइट जो दी गई है LED लाइट है और DC करंट के साथ चलती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगता है कैसा नहीं लगता है, जैसा भी वीडियो लगता है आप मुझे कमेंट करके बता दें, लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपके पास नॉलेज भरी वीडियो मिलती रहे। मैं मिलता हूँ इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।